नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विज्ञान भाग 2 में पाठ 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुन कर कथन पूर्ण कीजिए तथा उनका स्पष्टीकरण दीजिए। उसमें से पहला है किण्व में खाली जगह पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके उत्तर में आएगा मुकुलन, किण्व में मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। इसका स्पष्टीकरण है ईष्ट अलैंगिक पद्धति से प्रजनन करते हैं, अनुकूल परिस्थिति मिलते ही मुकुलन पद्धति द्वारा ईष्ट की वृद्धि तीव्रता से होती है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, फफूंदी जन्य विषैले रसायनों को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा माइकोटॉक्सिन, फफूंदी जन्य विषैले रसायनों को माइकोटॉक्सिन कहते हैं। इसके स्पष्टीकरण में आएगा कवकों की विविध प्रजातियां विषैले पदार्थ निर्मित करती हैं, कवक अपघटन का काम करते समय खाद्य पदार्थ के पोषक द्रव्यों का अवशोषण करते हैं और उसी समय माइकोटॉक्सिन खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, खाली जगह के कारण सिम्बा वर्गीय वनस्पतियां अधिक मात्रा में प्रथिन निर्मित कर पाते हैं। इसके उत्तर में आएगा राइजोबियम, राइजोबियम के कारण सिम्बा वर्गीय वनस्पतियां अधिक मात्रा में प्रथिन निर्मित कर पाते हैं। इसके स्पष्टीकरण में आएगा राइजोबियम जीवाणु सिम्बा वर्गीय या फलियों वाली वनस्पतियों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, हवा तथा मिट्टी की नाइट्रोजन वनस्पतियां उसी रूप में ग्रहण नहीं करती। ये जीवाणु नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण से उसका रूपांतरण यौगिकों में करते हैं, इससे वनस्पतियों को पोषक द्रव्य मिलते हैं, इस कारण अधिक परिमाण में प्रथिन या प्रोटीन की निर्मित होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके नाम लिखें। तो क्या क्या पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा लैक्टोबैसिलाई, डबल रोटी में पाया जाएगा ईस्ट, दलहनों के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाएगा राइजोबियम, इडली में पाया जाएगा ईस्ट, डोसा में पाया जाएगा ईस्ट, खराब हो चुकी आलू की सब्जी में पाया जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम। अब अगला प्रश्न करते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अलग शब्द पहचानिए तथा वह अलग क्यों है इसका कारण बताइए। पहले में क्या दिया गया, निमोनिया, घटसर्प या डिप्थीरिया, चेचक, हैजा। इसमें अलग क्या आएगा, हैजा अन्य सभी श्वसन संस्थान के रोग हैं। दूसरे में क्या दिया गया, लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, किण्व, क्लॉस्ट्रिडियम। इसमें अलग क्या आएगा, क्लॉस्ट्रिडियम अन्य सभी उपयुक्त सूक्ष्म जीव हैं। तीसरे में क्या दिया गया, जंग लगना रूबेला, जड़ों का सड़ना मोजे। इसमें अलग क्या आएगा, रूबेला यह मानव में होने वाला विषाणु जन्य रोग है, शेष सभी वनस्पतियों में होने वाले रोग है। जंग लगना, जड़ों का सड़ना, कवक जन्य तथा मोजेक विषाणु जन्य रोग हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, शास्त्रीय कारण लिखें। उसमें से पहला है गर्मी में बहुत समय तक रखी हुई दाल पर झाग दिखती है। इसके उत्तर में आएगा गर्मी के दिनों में जीवाणु तथा कवक की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति तथा तापमान होता है, ऐसे समय उनका प्रजनन तेजी से होता है। बहुत समय तक रखी हुई दाल संसर्ग द्वारा खराब हो जाती है, इसमें किण्वन की प्रक्रिया होने लगती है, इस कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है और उस पर झाग दिखती है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, कपड़ों में कोलतार क्यों रखे जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा कोलतार की गोलियों में नेथलीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, इस पदार्थ के कारण कपड़ों को सफेद कीड़े अथवा दीमक नहीं लगते। इसके साथ ही कवकों से भी नेथलीन संरक्षण करता है, कपड़े ठीक रहे तथा टिकाऊ बने रहे इसके लिए कपड़ों में कोलतार गोलियां रखी जाती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, कवक जन्य रोगों के प्रसार के माध्यम और प्रतिबंधक उपाय लिखिए। इसके उत्तर में आएगा दांत, खुजली, त्वचा रोग जैसे कवक जन्य रोगों का प्रसार रोगी के संपर्क में रहने पर होता है। रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, कपड़े, ओढ़ने बिछाने के चद्दर इत्यादि से कवक के तंतु अथवा बीजाणु संक्रमित होने पर रोग का प्रसार होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत न होने जैसी बातों के कारण कवक जन्य रोग तीव्रता से फैलते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, जोड़ियां मिलाएं। उसमें से पहला है अ समूह और दूसरा है ब समूह, इसका जोड़ियां मिलाना है। इसके उत्तर में क्या आएगा, पहला है राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है क्लॉस्ट्रिडियम अन्न विषाक्तता, तीसरा है पेनिसिलियम
प्रतिजैविक निर्मिति, चौथा है किण्वन या ईस्ट बेकरी उत्पादन। अब अगला प्रश्न करते हैं, सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, उत्तर लिखे। उसमें से पहला है, छोटे बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, छोटे बच्चों की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उन्हें संसर्गजन्य रोगों से बचाया जा सके इसलिए उन्हें टीके लगाए जाते हैं। दूसरा, जन्म के बाद पहले सप्ताह के भीतर BCG अर्थात क्षय रोग प्रतिबंधक टीका लगाया जाता है। तीसरा, इसके बाद तीसरे चौथे तथा पांचवें महीने में त्रिगुणी टीका DPT डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनेस दिया जाता है। उसमें घटसर्प, काली खांसी, धनुर्वात इन रोगों के प्रतिबंधक टीके होते हैं। चौथा, त्रिगुणी टीकाकरण के समय मुख द्वारा पोलियो की खुराक दी जाती है। पांचवा, इसके बाद 9 महीने के बच्चे को MMR मम्स मिसेल्स रूबेला अर्थात गल सुआ खसरा तथा रूबेला इन रोगों के प्रतिबंधक टीका एकत्रित रूप से दिया जाता है। छठवा, विद्यालय जाने वाले बच्चों को टाइफाइड कॉलरा के टीके दिए जाते हैं, कुछ बार हेपेटाइटिस के टीके भी लगाए जाते हैं। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, टीका कैसे बनाया जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पहले के समय में रोग कारण जीवाणु बंदर घोड़े जैसे प्राणियों को लगाए जाते थे। इन रोग जंतुओं के रोकथाम या प्रतिबंध के लिए प्रयोगशाला के प्राणी कुछ प्रथिन तैयार करते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को उन प्राणियों के रक्त में से अलग करके उनसे टीका बनाते हैं। दूसरा, अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रयोगशाला में जीवाणुओं की सहायता से निश्चित रोगों के टीके बना सकते हैं। इसके लिए उस रोग के जंतुओं का गहन अध्ययन किया जाता है, उनके जनुक तथा DNA की रचना समझी जाती है। इस जानकारी के आधार पर उस पर रोकथाम कर सकने वाले प्रथिन या प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इस प्रयोग द्वारा सुरक्षित टीका बनाया जाता है। तीसरा, कुछ प्रकार के टीके इन प्रत्यक्ष रोग जंतुओं से ही बने होते हैं। ये रोग जंतु थोड़े क्रियाहीन तथा सुप्त किए जाते हैं। ऐसे रोग जंतु का टीका के रूप में किसी अंग में लगाने पर वे पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्रिया शुरू कर देते हैं। जब इस व्यक्ति को वास्तव में उस रोग के शिकार होते हैं, तब उसके शरीर में पहले से प्रतिरोध करने वाले रसायन तैयार या उपस्थित रहते हैं। अब अगला करते हैं, इसे में क्या दिया गया, प्रतिजैविक के कारण रोग निवारण प्रक्रिया कैसे घटित होती है। इसके उत्तर में आएगा, प्रतिजैविक से निश्चित प्रकार के जीवाणुओं का विनाश होकर रोग का प्रादुर्भाव नहीं होता तथा रोग निवारण होता है। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, मानव की तरह क्या प्राणियों को भी प्रतिजैविक दिए जाते हैं। दोनों को दिए जाने वाले प्रतिजैविक क्या एक जैसे होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, प्राणियों में भी रोगों का प्रादुर्भाव होता है, उन्हें भी जीवाणु विषाणु तथा रोग कारक कवक से रोग होते हैं, उन्हें भी कुछ प्रतिजैविक दिए जाते हैं, परंतु मानव को बाधित करने वाले जीवाणु अलग होने के कारण उनके कुछ प्रतिजैविक अलग होते हैं। मात्र कुछ प्रतिजैविक मानवों के प्रतिजैविकों के समान ही होते हैं। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, विशिष्ट रोग का निवारण करने के लिए टीका बनाने के लिए उस रोग के कारक जीवाणुओं का सुरक्षित पद्धति से जतन क्यों करना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रयोगशाला में जीवाणुओं की सहायता से निश्चित रोगों के टीके बना सकते हैं। इसके लिए उस रोग के जंतुओं का गहन अध्ययन किया जाता है, उनके जनुक तथा DNA की रचना समझी जाती है। इस जानकारी के आधार पर उस पर रोकथाम कर सकने वाले प्रथिन या प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इस प्रयोग द्वारा सुरक्षित टीका बनाया जाता है। दूसरा, कुछ प्रकार के टीके इन प्रत्यक्ष रोग जंतुओं से ही बने होते हैं। ये रोग जंतु थोड़े क्रियाहीन तथा सुप्त किए जाते हैं। ऐसे रोग जंतु का टीका के रूप में किसी अंग में लगाने पर वे पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्रिया शुरू कर देते हैं। जब इस व्यक्ति को वास्तव में उस रोग के शिकार होते हैं, तब उसके शरीर में पहले से प्रतिरोध करने वाले रसायन तैयार या उपस्थित रहते हैं। अब अगला करते हैं, आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, संक्षिप्त उत्तर लिखे। उसमें से पहला है, विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या। इसके उत्तर में आएगा, जो प्रतिजैविक कई प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध एक ही समय पर उपयोगी होते हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहा जाता है। जिस समय रोग के लक्षण दिखाई देने पर भी रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहा हो, तब ऐसे प्रतिजैविक का उपयोग करके रोग को काबू में लाने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, किण्वन का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा, जिस प्रक्रिया में स्वतः का पोषण करते समय कोशिकाएं द्रव के कार्बोज का रूपांतर अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती हैं,
उस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, परिभाषा लिखे प्रतिजैविक। इसके उत्तर में आएगा सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी प्रतिरोध करने वाले जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक का अर्थ प्रतिजैविक होता है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 8 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।